ची खबरबात। शिवसेनेचे खासदार आणि नेते संजय राऊत यांनी ईडी, इन्कम टॅक्स आणि त्याचबरोबर भाजपच्या नेत्यांवर जोरदार निशाणा साधलाय। देशातील सर्वात जास्त ईडीच्या धाडी या महाराष्ट्रातच पडल्या असून महाविकास आघाडीच्या 14 नेत्यांवर या धाडी पडल्याचं त्यांनी म्हटलंय। पण भाजपच्या एकाही नेत्यावर धाडी पडल्या नाहीत। या इन्कम टॅक्सच्या भानामतीमागे कोण आहे याचा पर्दाफाश शिवसेना लवकरच करेल असंही संजय राऊत यांनी म्हटलंय। महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमधल्या ठराविक लोकांनाच केंद्रीय यंत्रणेकडून लक्ष का केलं जातं असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला। यावेळी बोलताना संजय राऊत यांनी भाजपच्या नेत्यांवरही गंभीर आरोप केले। ईडी आणि ईडीचे अधिकारी हे भाजपचे एटीएम मशीन असून वसुलीसाठी भाजपचे नेते त्यांची मदत घेतात असा गंभीर आरोप संजय राऊत यांनी केला। ईडी के अधिकारी, बड़े अधिकारी, अब उसमें से कुछ अधिकारी तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और मैंने सुना कि इस अधिकारी ने, जो ईडी का अधिकारी था, उसने यूपी के 50 उम्मीदवारों का खर्चा भी किया है, ये मैं सुन रहा हूं। वो आप बीजेपी का उम्मीदवार बनकर चुनाव वहां लड़ रहा है, ये एक नेक्सस, उसका मतलब यह है ईडी भारतीय जनता पार्टी की एटीएम मशीन बन गई। मैं बहुत ही जिम्मेदारी से मेरा विधान मेरा बयान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ नेशन। ईडी और ईडी के कुछ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के एटीएम मशीन बन गए। भाजपचे नेते आमदार सुधीर मुनगंटीवार आपल्यासोबत जोडले गेलेत। सुधीर भाऊ, पुन्हा एकदा गंभीर आरोप, त्यांनी तर आता थेट म्हटलं ईडीचे अधिकारी भाजप करता एटीएम मशीन म्हणून काम करतात, असा हे आरोप आहेत। गंभीर आहेत का हे तर जेव्हा त्यांनी सांगितलं की पोलीस महासंचालक चौकशी करतील तेव्हा गंभीर आहे की गमतीदार आहे हे तर नंतर स्पष्ट होईल। आरोप केलेत त्याचे पुरावे त्यांनी पोलीस महासंचालकाला नक्कीच द्यावे। आता एक गोष्टीचा खुलासा मला अजून होत नाही आहे की पोलीस महासंचालक या प्रकरणाला निश्चितपणे चौकशी करून आरोपीला अटकवू शकेल का, कारण मिलिंद नार्वेकरांना व्हॉट्सअपवर धमकी आली, अजूनपर्यंत महाराष्ट्राचं आणि मुंबईचं पोलीस या धमकीला शोधू शकलं नाही। मंत्रालयामध्ये हजारो दारूच्या बॉटल्स सापडल्या, अजूनपर्यंत या बॉटल्स आणणारे शोधू शकले नाही। तर एवढ्या गंभीर आरोपाचे हे कोण जे गुन्हेगार आहे त्यांना पकडू शकेल का हा शंकास्पद आहे। आता त्यांनी आरोप केले, त्यांनी सांगितलं की पोलीस याची चौकशी करेल, तर वाट पाहू आपण, वेट अँड वॉच। बर, पण म्हणजे तुम्हाला आजच्या पत्रकार परिषदेत खास काही आहे, काही ठोस पुरावा दिलाय किंवा असं काही वाटत नाही, म्हणजे तुम्ही गांभीर्यानं घेत नाही संजय राऊत यांना? गांभीर्यानं घेण्याचा विषय यासाठी नाही, कारण जी पत्रकार परिषद आहे ही पत्रकार परिषद ते बोलताना एकदा नव्हे 10-10 सांगतात की मी एक राज्यसभेचा सदस्य म्हणून जी शपथ घेतली आहे संविधानाची की मला असणारी प्रत्येक माहिती मी संबंधित विभागाला किंवा लपवून ठेवणार नाही, अशी ती पत्रकार परिषद नाही आहे। त्या पत्रकार परिषदेमध्ये प्रत्येक वाक्याच्या मागे एक डायलॉग असतो, आप देख लेंगे। म्हणजे पत्रकार परिषद या महाराष्ट्रातील किंवा देशातल्या आरोपींना पकडण्यासाठी नसून हम देख लेंगे यासाठी आहे। जेव्हा हम देख लेंगे हे वाक्य आहे तो दूध में थोडा दही आहे। बर, सुधीर भाऊ धन्यवाद, तुम्ही न्यूज 18 लोकमतशी बोललात त्याबद्दल। या पत्रकार परिषदेमध्ये संजय राऊत यांनी भाजपवर गंभीर आरोप केले। किरीट सोमय्या आणि वाधवान यांचे संबंध काय आहेत याबद्दलही त्यांनी पुन्हा एकदा प्रश्न विचारला। आणि एवढंच नाही तर मुंबई पोलिसांच्याकडे काही थेट तक्रार केली असून आता भाजपला मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू होईल असा दावाही त्यांनी केला। आज मुंबई में बहुत कुछ हलचल है, रेड्स के ऊपर रेड्स, धाड़ी वर धाड़ी पड़ता है, त्याच्यामुळे
उसके लिए आपको भी बहुत काम है, आप भागम भाग गए यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो हमने सोचा हम भी एक रेट डालें, हमको भी अधिकार है घुसने का। अगर हमारे घर में कोई घुस रहा है तो मुंबई में, महाराष्ट्र में शिवसेना को भी अधिकार है घुसने का, घुसाने का। ये सवाल इसलिए भी है, क्या इस देश में और राज्यों में कोई नहीं मिलता जहां सेंट्रल एजेंसी जाकर सवाल पूछे, भेद करे, देश को हिसाब किताब दे? सिर्फ शिवसेना या तृणमूल कांग्रेस? ये तो सबको मालूम है, ये सरकार गिराने की तो साजिश है, सरकार को दबाव में लाने की। शिवसेना के नेतृत्व में जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन हुआ है, उनकी सरकार है, उनको दबाव में लाकर ये सरकार अनस्टेबल, अस्थिर करने के लिए, सरकार गिराने की एक बहुत बड़ी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उनके ऊपर ना आईटी ना ईडी, क्या वो लोग मुंबई के रास्ते पर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं? इनकम और टैक्स सिर्फ हमारे पास है क्या? ये इनकम टैक्स जो भानामती चल रही है वो भी जल्दी एक्सपोज हो जाएगी। ये भानामती कौन है जो ये सब रेट्स कंट्रोल कर रही है, उस बारे में जल्दी ही शिवसेना बड़ा खुलासा करने जा रही है। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, ईडी ने कौन सा चश्मा लगाया है इनकम टैक्स में? वो चश्मे से जरा हमारे तरफ भी देखिए। जो आपने चश्मा लगाया है और आपको ऐसे लोग नहीं दिखते हैं जिनकी संपत्ति 2-4 साल में 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ कहां से आती है? मैं देता हूं आपको पूरे प्रूफ, जल्दी ही दे दूंगा। और दिल्ली और महाराष्ट्र के कौन से बीजेपी के नेता का पैसा, कौन किसकी बेनामी प्रॉपर्टी उसके पास है, ये भी मैं जल्दी ही पहले प्रधानमंत्री को जाकर बताऊंगा, बाद में आपके पास दे दूंगा, क्योंकि मैं रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों से ईडी के कुछ अफसर्स और एजेंट्स, उनका एक नेटवर्क बिल्डर्स, डेवलपर्स और कॉरपोरेट कंपनी को डराने का काम कर रहे हैं। और ईडी का एजेंट्स का एक नेटवर्क जो है वो एक्सट्रॉशन में लगा हुआ है, करोड़ों की वसूली कर रहा है, उसकी विस्तृत जानकारी मैंने प्रधानमंत्री को दी है। और मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ बोल रहा हूं आपको, डॉक्यूमेंट्स शायद डिस्ट्रीब्यूट सर्कुलर अभी किए हैं। ऑफिसर का जो एक्सट्रैक्शन रैकेट है उसमें का जो की फैक्टर है उसका नाम है मिस्टर जितेंद्र चंद्रलाल नवलाल, और आपके जानकारी के लिए मैं उसका पैन नंबर और उसके 7 अलग अलग कंपनियां भी मैंने आपको दे दी है। इस 7 कंपनियों ने 100 करोड़ से भी आसपास, 100 से ज्यादा बिल्डर, डेवलपर से वसूली किए है, एक्सट्रॉशन किया है, जिसमें कैश भी है और चेक पेमेंट भी है, डिजिटल ट्रांसफर है उसमें। जिन जिन कंपनियों की ईडी ने जांच की, जिन कंपनियों की ईडी ने जांच की है उस कंपनी ने अपना पैसा जितेंद्र नवलानी के इस 5-7 कंपनी में ट्रांसफर किया। हमारे लोगों के 1 लाख 2 लाख 3 लाख का ट्रांजेक्शन देख रहे हो, आपका ट्रांजेक्शन कौन देखेगा? इस रैकेट में कुछ मुंबई और महाराष्ट्र के प्रमुख बीजेपी के पॉलिटिकल लीडर भी जुड़े हैं।
और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आपके पास कागज मैंने दिए, आपने देखा होगा, ये बहुत ही गंभीर मामला है। देश का सबसे बड़ा करप्शन का ये रैकेट है, मुंबई में बैठकर चल रहा है, दिल्ली में बैठकर चल रहा है, महाविकास आघाड़ी के लोगों को भी जो प्रताड़ित करने का काम है, ये इसी रैकेट का एक काम है। आज मैंने जो आपको बात बताई है ये सिर्फ 10% है। मुंबई महानगर पालिका में आपके लोग क्या कर रहे हैं, कितने दिन तक किसको कितना हिस्सा मिला है, आपके लोगों को आपने कैसे एक्सट्रैक्शन किया है मुंबई महानगर पालिका से, ये भी हम भानामती जो है ना आईटी भानामती डिपार्टमेंट को हम भेज रहे हैं, हम देखेंगे आप उनके ऊपर कैसे डेट्स करते हैं। लेकिन आज की ताजा खबर यही है कि कंप्लेनेंट अरविंद जगन्नाथ भोसले, उसने मेरे कागज के ऊपर जो मैंने आपको दिए हैं मुंबई पुलिस के पास कंप्लेंट फाइल किया है और उसकी जांच हो रही है और जांच एक अंजाम तक पहुंचेगी। और मैंने कुछ दिन पहले कहा था ईडी के 3 अधिकारी बिहाइंड द बार हो गए,